हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। अगर हम आज के दिन देखें, इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हो गए हैं। दिन ब दिन शेयर मार्केट गिरते जा रहा है और इसी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है जिसे हमें आपसे शेयर करना है। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज के इस वीडियो में हम अपना पर्सनल व्यू भी सजेस्ट करेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड। दोस्तों, फिलहाल अगर हम देखें तो आज के दिन निफ्टी 50 में हमें 509 पॉइंट की 509 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो अभी ये गिरावट में हमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है, 3.32% के आसपास ये हो गया है दोस्तों। सेम हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है, 1655 पॉइंट के साथ ये नीचे गिर गया है 3.34% के आसपास। सबसे पहले अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि इंडिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, सेंसेक्स प्लंग्स ओवर 1700 पॉइंट्स, रुपीज़ हिट 8 month लो एज कोविड-19 केसेस मेक मार्केट जिटरी। दोस्तों, 1700 पॉइंट से सेंसेक्स नीचे गिर गया है और रुपीस 8 month के लो पे चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेंडामिक का जो सेकेंड वेव था वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा। सिंस द सेकेंड वेव ऑफ पेंडामिक इज टर्निंग आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड, देर इज़ अ प्रोफाउंड अनसर्टनिटी अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट। दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप देखेंगे तो 1,60,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और इसी के वजह से इकोनॉमिक और मार्केट पे कितना बुरा असर पड़ सकता है, यही यहाँ पे कहा गया है इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में दोस्तों। और इसीलिए आज के दिन हमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। एक और बात दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा, आने वाले दिनों में ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। अगर हम देखें तो इसके वजह से काफ़ी सारे स्टेट्स अपने लॉकडाउन करने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर आ रहा है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में लॉकडाउन हो सकता है। सेम हमें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, दिल्ली में भी यही चल रहा है। यानी कि ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दोस्तों हर जगह पे कोविड-19 इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि मार्केट पे इसका असर पड़ना लाजमी है दोस्तों। बट आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है और आने वाले दिनों में शेयर मार्केट कितना गिर सकता है। अगर हम बात करें तो अभी तक लॉकडाउन अच्छे से हुआ नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लॉकडाउन की संभावना बढ़ते जाएगी। और अगर हम देखें तो 2 मई तक अभी इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन को दोस्तों जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक तो कोई लॉकडाउन नहीं हो सकता है कोई कोई स्टेट्स में, बट जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ वहाँ पे लॉकडाउन किया जा सकता है। केसेस अगर आप देखेंगे तो 1,68,000 से ज़्यादा चले गए हैं पिछली बार से। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो लास्ट केसेस थे वो 1 लाख के आसपास थे और अब उसका दोगुना हो गया है, 1,60,000 के आसपास। यहाँ पे दोस्तों आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो पिछले बार भी जब सेंसेक्स गिरा था, निफ्टी 50 गिरा था तो काफ़ी नीचे गया था, बट उसके बाद ये वापस से उठने का ट्राई किया और उठने के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 50-60% के ऊपर गया है। सेम हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा, 1 ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे तो 30,000 पॉइंट तक गिर गया था लेकिन ये वापस से उठा और 50,000 का क्रॉस मार्क किया। यानी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप इसमें से अच्छे शेयर पिक कर लेते हैं और उसमें अपना पैसा लगाते हैं तो ज़रूर आपको एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कोविड-19 आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, बट शेयर मार्केट की ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों कभी कभी आती है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे रेयर केसेस होते हैं, 1 साल बाद ये वापस मौका मिल रहा है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पैसा लगाने का और यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। बट फिलहाल अभी तक शेयर मार्केट अच्छे से गिरा नहीं है, अभी काफ़ी और गिरना बाकी है। यहाँ पे हमें अभी 1 महीने के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स काफ़ी डरे हुए हैं, अपना पैसा सभी निकाल रहे हैं और अगर हम देखें तो एक हिसाब से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं,
क्योंकि उन्हें भी पता है जब शेयर मार्केट एकदम गिर जाएगा, एकदम अपने लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तब वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि उन्हें अच्छे अच्छे शेयर मिले और फिर उसके बाद उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाए। सेम दोस्तों हमें भी करना है, अगर हम देखें तो शेयर मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं आती है, तो आप ऐसे डरिए ना, और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। बट यहाँ पे दोस्तों हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पे कोई शेयर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए। बेस्ट शेयर मार्केट में काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और अगर आप देखेंगे तो सभी शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे शेयर मार्केट गिर रहा है। बट उसमें से कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न ला के दे सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म, और यही आज की न्यूज़ हमें आपसे शेयर करनी थी शेयर मार्केट से रिलेटेड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे कोई भी क्वेश्चन, अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।